बैक टू माई चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs एंड PYQs आर फ्रॉम 2020। सो 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। एंड इससे पहले जो भी सेशन हमने लिया था, अभी जो कंटिन्यूसली मैं सेशन ले रही हूँ, वो सारे सेशन 2020 में पूछे गए क्वेश्चन पे ही हैं, PYQs हैं। सो अगर आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट, यू विल फाइंड ऑल दो सेशंस एंड वीडियोज, राइट। एंड ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एंड लाइक क्वेश्चंस क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, क्या लेवल है UGC नेट का, यू नो क्वेश्चन पूछने का। एंड उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिपीट होते हैं, राइट। सो जो क्वेश्चन रिपीट होंगे वो आपको हेल्प करेंगे, प्लस जो नए क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनता है ऑन द सेम पैटर्न, ऑन द सेम क्वेश्चन, जो न्यू फॉर्मेशन होता है, जो न्यू क्वेश्चन बनता है, उससे भी आपको एक आइडिया मिलेगा। एंड जो क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं, चार ऑप्शन में क्या नया क्वेश्चन बन सकता है उन ऑप्शन से, उस पर भी बात करेंगे। और आपको देखने को मिलेगा कि आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं, मतलब आंसर में ऑब्वियसली चार ऑप्शन होते हैं, उसमें एक आंसर होता है, जो चार ऑप्शन होते हैं उनमें उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, राइट। सो वो भी आपको एक देखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ हम उसको डिस्कस भी करते हैं, राइट। सो आगे हम बढ़ते हुए मैं आपको उस स्लाइड पर लेके चल रही हूँ जहाँ से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन हम देखेंगे इस सेशन का, ओके। सो हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अ स्ट्राइक अ नोटिस ऑफ डैश इज गिवन टू द मैनेजमेंट। सो इस क्वेश्चन का लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट सेशंस, लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट सेशन का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो हमने PYQs वाला सीरीज किया था, PYQs वाले में से 2020 में जो पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूं मैं, जो मैं सीरीज लेकर के आई हूं, सो उन सीरीज में जो हमारी लास्ट सेशन था उसका लास्ट क्वेश्चन क्या था, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। जो उन्होंने नहीं देखा था ये लास्ट सेशन मेरा, वो उनके लिए एक ओवरव्यू है, यू कैन से। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे। सो लास्ट क्वेश्चन का, लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग टू द इम्प्लॉयज टेक्निकल एंड ऑपरेटिंग स्किल्स एंड नॉलेज इज रेफर्ड टू एज। सो इसके आपके सामने ऑप्शंस थे, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंटरनल मोबिलिटी, जॉब इवेल्युएशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इसका सही आंसर था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस सेशन का, बिफोर प्रोसीडिंग ऑन अ स्ट्राइक अ नोटिस ऑफ डैश इज गिवन टू द मैनेजमेंट। सो क्या कह रहे हैं कि जब आप स्ट्राइक पे जाते हैं तो स्ट्राइक पे जाने से पहले कितने दिन का नोटिस दिया जाता है मैनेजमेंट को बाय द एम्प्लॉइज। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 14 डेज, दूसरा ऑप्शन है 7 डेज, तीसरा ऑप्शन है 18 डेज एंड चौथा ऑप्शन है 21 डेज। इनमें से कौन सा आपको देखना है, कौन सा ऑप्शन सही है, कितने दिन पहले नोटिस देना होता है मैनेजमेंट को बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 14 डेज। 14 डेज का नोटिस, प्रायर नोटिस देना पड़ता है टू द मैनेजमेंट बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है ऑब्जेक्टिव मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का।
राइट, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है. क्वेश्चन पूछा है मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव कौन, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है. सो पहला ऑप्शन है पनिशमेंट एंड इम्प्लॉयज, दूसरा पनिशिंग द इम्प्लॉयज, दूसरा है सैलरी इंक्रीज, तीसरा है प्रमोशन डिसीजन एंड चौथा है आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स. सो इनमें से तीन मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट एक इनमें से नहीं है और क्वेश्चन पूछा है नहीं क्या है. राइट राइट, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, पनिशिंग द इम्प्लॉयज. ऑब्वियसली पनिशिंग द इम्प्लॉयज इज नॉट अ ऑब्जेक्ट, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. वेयर एज मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या क्या है, सैलरी इंक्रीज है, प्रमोशन डिसीजन है एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, कहाँ पे ट्रेनिंग की आवश्यकता है इम्प्लॉयज के लिए, कहाँ पे जरूरत है, इनकी भी बात करता है कौन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. पनिशिंग द इम्प्लॉयज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू चेंज. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू चेंज. ऑप्शन वन है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा है रेसिस्टेंस, तीसरा है मोटिवेशन एंड चौथा है प्लानिंग. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू चेंज. चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमन रिस्पॉन्स, एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, फॉर चेंज, टू चेंज यू कैन से. सो इसमें ऑर्गेनाइजिंग है, रेसिस्टेंस है, मोटिवेशन है या फिर प्लानिंग है. सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, रेसिस्टेंस इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट एज अ सिस्टम इम्फेसाइजेस ऑन. मैनेजमेंट एज अ सिस्टम किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, किस चीज पे बल देता है, जोर देता है, आपको बताना है. पहला है क्लोज सिस्टम पर्सपेक्टिव, दूसरा है सोशियो टेक्निकल सिस्टम, तीसरा है सोशियो इन्वायरमेंट सिस्टम एंड चौथा है ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव. सो जो मैनेजमेंट का फोकस होता है, बल देता है मैनेजमेंट एज अ सिस्टम, वो एम्फेसाइजेशन किस पे होता है, ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव पे होता है. सो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रेड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन. क्या बोल रहे हैं, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन. पहला है सरपास सिस्टम, दूसरा है ओपन सिस्टम, तीसरा है क्लोज सिस्टम एंड चौथा है टेक्निकल सिस्टम. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्लोज सिस्टम. ओके, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ट्रीट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन क्लोज्ड सिस्टम. ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. सो आपको नहीं है बताना है, स्ट्रेटजी, चाहे स्ट्रेटजी नहीं है इम्पॉर्टेंट फैक्टर, या फिर इन्वायरमेंट नहीं है, या फिर इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है, इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन के लिए. बाकी के तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वेयर एज एक इसमें से ऐसा है जो नहीं है, आपको नहीं बताना है. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजी, इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का. दूसरा इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेयर एज थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, इनफॉर्मल रिलेशनशिप इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन. ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी सर्कल इज, क्वालिटी सर्कल क्या है. पहला है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज हु चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या वो स्मॉल ग्रुप ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज है जो कि परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं.
दूसरा है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंप्लॉयज हु मॉनिटर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड सजेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, या फिर दूसरा ऑप्शन सही है कि एक स्मॉल ग्रुप जो कि जो इम्प्लॉयज की स्मॉल ग्रुप होते हैं वो मॉनिटर करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड सजेस्ट करते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सजेस्ट करते हैं कि प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो सजेस्ट करते हैं, ये होगा। या फिर तीसरा अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज मॉनिटर्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर्स, दूसरे का की प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज, या फिर चौथा है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज हु मॉनिटर अदर इम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, दूसरे इम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ इम्प्लॉयज हु मॉनिटर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड सजेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर टू वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ऑप्शन है आपके सामने अप्रेजल ऑफ ए सबऑर्डिनेट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन नंबर सेकेंड, तीसरा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड चौथा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपको बताना है कि इनमें से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है वो एलिमेंट बताना है आपको। बाकी के तीन इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक है जो नहीं होता है। सो अप्रेजल ऑफ ए सबऑर्डिनेट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। एंड तीसरा ऑप्शन भी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी इन्वॉल्व होता है, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्वॉल्व होता है, वेर एज ऑप्शन नंबर वन अप्रेजल ऑफ ए सबऑर्डिनेट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑफ द फॉलोइंग यू नो एलिमेंट्स, मतलब ये नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर वन वुड बी द राइट आंसर, अप्रेजल ऑफ अ सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर करियर प्लानिंग सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, फॉर करियर प्लानिंग सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, पहला है मैन पावर प्लानिंग, दूसरा है इफेक्टिव सिलेक्शन, तीसरा है जॉब एनालिसिस एंड चौथा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्वेश्चन है फॉर करियर प्लानिंग सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, पहला है मैन पावर प्लानिंग, दूसरा है इफेक्टिव सिलेक्शन, तीसरा है जॉब एनालिसिस एंड चौथा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर, मैन पावर प्लानिंग, इफेक्टिव सिलेक्शन, जॉब एनालिसिस, ये तीनों ही नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्कर्स आर डिसवेडेड फ्रॉम वर्क बाय स्टेशनिंग सर्टेन मेन एट द फैक्ट्री गेट्स, सच अ स्टेप इज नोन एज, पहला है स्ट्राइक, दूसरा लॉकआउट, तीसरा घेराव या फिर चौथा पिकेटिंग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर्कर्स आर डिसवेडेड फ्रॉम वर्क बाय स्टेशनिंग सर्टेन मेन एट द फैक्ट्री गेट सच एज सच स्टेप इज नोन एज, मतलब फैक्ट्री के सामने यू नो खड़े हो जाना, राइट, फैक्ट्री के सामने स्ट्राइक कर रहे हैं आप, तो उस टाइप की स्ट्राइक को क्या कहते हैं, कौन सी स्ट्राइक होती है, वो स्ट्राइक जो जनरल स्ट्राइक होती है वो है, लॉकआउट है, घेराव है या फिर पिकेटिंग है, क्या होता है वो, जहां पर फैक्ट्री के सामने लोग इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, पिकेटिंग, जहां पर फैक्ट्री के सामने लोग पिकेटिंग मतलब एक बोर्ड लेकर के छोटा छोटा लेके खड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्राइक के पर्पज से, उसको बोलते हैं पिकेटिंग। ओके सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे एंड आपने एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ भी आपको शेयर करना हो, बताना हो, या फिर कहीं पे किसी भी तरह का लैक हो, देन यू कैन लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।